अच्छा सफ़र रहा है, कई सफलताएं रहीं, और ये तो जीवन का, मैंने 40 साल की क्लास वन सर्विस की, पुलिस में आने से पहले मैं भारतीय रेल सेवा में था 3 साल, तो 40 साल तो जीवन का होपफुली, अगर जीवन को माना जाए 80 तो आधा होता है होपफुली, तो आधा जीवन सरकारी सेवा में बिताए, अब आराम करने का समय। सर कभी ऐसा वक्त लगता है कि आईएएस हो जाते आप? नहीं, ये जो पुलिस सेवा में, मतलब पुलिस दूसरी सेवाओं से भिन्न है, बाकी जो सेवाएं हैं वो इमिनेंट हैं, पुलिस इलस्ट्रियस है, और वो जैसे कहते हैं कि वर्दी आपके दूसरा स्किन हो जाता है, आपका जो ड्रिलिंग होती है, जो परेड होता है, जो वर्ड ऑफ कमांड होता है सुबह सुबह, वो आपके बिल्कुल अंतर्मन में, आपके दिमाग में, आपके हृदय में गूंजने लगता है, तो आपकी पूरी सोच जो है इतने सालों के प्रशिक्षण और परेड जो है, जो बनाया गया परेड का सिस्टम, वो इसलिए कि बिल्कुल वो डिसिप्लिन को इंस्टिल कर देता है, तो ये जो फीलिंग है ये और किसी सेवा में नहीं आ सकती। सर ऐसा कोई काम सर जो पूरे कार्यकाल में लगा हो कि बहुत बेहतर काम किए हैं? और काम तो कई जगह काम हुए, अभी तो तत्काल जो अभी जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, आपने देखा होगा कि मैंने मेंशन भी किया कि ट्विटर के माध्यम से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की विज्ञप्ति के माध्यम से, और कई जगह जो आए वो भारत सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व है गृह मंत्रालय का, उन्होंने हर जगह अप्रिशिएट किया कि जो उग्रवाद का भौगोलिक स्प्रेड है, विस्तार है, वो अत्यंत सीमित कर दिया गया है, और ऐसे क्षेत्र जहां पिछले 3 दशकों से पुलिस नहीं जा पाई थी, जाती थी और नुकसान हो जाते थे, फिर लौट के चले आते थे हम लोग, तो वहां पुलिस पहुंची, और आज जो ग्रामीण हैं वो इतने खुश हैं कि वो ग्रामीणों ने ही सब कुछ ढो करके पहाड़ के ऊपर पहुंचाया, सारी जो टेंटेज हमारा था, जो बांस बल्ला था, इवन बड़े बड़े जनरेटर जो आदमी के लिए उठाना संभव नहीं है, तो उसको खोल करके, उसका पुर्जा पूरा अलग करके, बांस पर लाद करके लोग ले गए, हम लोगों ने उनको मेहनताना दिया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम लोग गांव छोड़कर चले गए थे, रांची चले गए थे, और 20 साल 30 साल के बाद आकर अपनी दुकान खोल रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि कोई व्यक्ति जो 20 साल से अपने घर में नहीं रह पा रहा था, अपना दुकान नहीं खोल रहा था, आज अपने गांव में, अपने घर में जाकर अपना व्यवसाय कर रहा है, और हम लोगों ने जो कार्यक्रम अभी हुआ, बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्लान जो बना, ये बहुत उल्लेखनीय है कि जहां कभी सरकार नहीं पहुंच पाई थी, आज सरकार का शीर्ष नेतृत्व पहुँच कर, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, अन्य कई सचिव पहुँच कर, और एक डेवलपमेंट प्लान बनाया गया कि उस छोटे से इलाके में उन लोगों का जीवन, जो वहाँ रह चुके हैं, जो एसपी के रूप में उस क्षेत्र में रहे, उन्होंने कहा कि तो इनके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, कि एक छोटे से क्षेत्र में सरकार ने 100 करोड़ का एक डेवलपमेंट प्लान बना दिया, तो ये बड़े खुशी की बात है, और पुलिस की भूमिका इस ऐसे क्षेत्रों में यह है कि पायनियर विंग की तरह काम करके, सरकार के अंग वहाँ नहीं जा पा रहे थे, लोगों को विकास का लाभ नहीं मिल रहा था, अब हमने ऐसी परिस्थिति बनाई कि सरकार के सभी विभाग वहाँ पहुँचे, सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिले, और केवल सरकार ही नहीं, सरकार आपके द्वार ही नहीं, बाज़ार आपके द्वार भी पहुँचे, कि हमारे जैसे एक एक क्षेत्र में वहाँ कई बटालियन लगे हुए हैं, एक बटालियन में 1000 से ऊपर होता है, तो हजारों, कई हजार की संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ हैं जिनको ग्रामीणों के उत्पाद की ज़रूरत है, तो बाज़ार आपके द्वार कोल्हान हो जाएगा। सर सक्सेसर से क्या उम्मीद रखते हैं? मुझसे बेहतर सफलताएं मिलें। आज शाम 7 बजे के बाद नीरज सिन्हा क्या करेंगे? मैं आराम करूँगा। सर पॉलिटिक्स में अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है, क्या है माना जाए कि नीरज सिन्हा राजनीति में भाग आजमाएंगे, किस्मत आजमाएंगे? वो हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं बना होता है सर। मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो कम बोलने वाला आदमी पॉलिटिक्स में सफल नहीं हो सकता है। कम बोलते लेकिन काम ज़्यादा बोला सर आपने, तो पॉलिटिक्स में भी बोलना चाहिए? नहीं, पॉलिटिक्स में तो बोलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताब आएगी सर आपकी? हाँ। कब से लिखना शुरू कर देंगे? लिख करके रखा हुआ है।
अब जो उसका जो एक टाइम पीरियड है कि उस समय तक आप किताब नहीं लिख सकते हैं, शायद एक वर्ष का है, उसके बाद लिखिए। शीर्षक क्या रखा सर? वो तो एक वर्ष के बाद जो मिनिमम टाइम पीरियड होगा कि उतने समय तक आप अपने संस्मरण नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है। सर एक अंतिम सवाल कि क्या परिवार से कभी डांट पड़ी थी आपको, एन वक्त नहीं चले जाते थे? वो तो पड़ती रही है हमेशा से, इसलिए मैंने कहा कि पुलिस कर्मी तभी काम कर पाएगा जब उसका परिवार उसका सहयोग करे। सर आज के बाद क्या सबसे ज़्यादा मिस करेंगे? पुलिस मुख्यालय को, जैसा मैंने कहा कि ये जो ट्रेनिंग है ये बाकी सेवाओं की ट्रेनिंग से भिन्न है। इसमें आप सुबह से शाम तक वर्दी पहने रहते हैं और जो ड्रिलिंग होती है वो ऐसी है कि आपका जीवन जो है सुबह की, मतलब सारी पुलिसिंग आपकी दिनचर्या में शामिल होता है, तो ये तो अचानक जो वैकम होता है उसको आप मिस करेंगे। आपने कहा कि आपका दिल धड़कता रहेगा पुलिस के लिए। बिल्कुल दूर में शामिल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब जो इतने मतलब 36 सालों तक साथ रहे तो सोच वही हो गई है, तो हम सोचेंगे उनकी तरह, हम सोचेंगे उनके लिए, लिखेंगे उनके लिए। और अगर कभी ऐसा लगेगा कि पुलिस को जो सम्मान समाज में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो प्रतिकार भी करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।